हाँ जी अरे नंबर नंबर छोड़ दो, तुम बात बताओ। हाँ बाबा ने कहा है कि जैसे सीढ़ी का रिकॉर्ड दिखने में एक जैसा आता है, लेकिन इसमें मैटर अलग अलग रीति से टेक किया है, तो एक आत्मा के संस्कार दूसरे के संस्कारों से नहीं मिलते। इसको दिलाने के लिए शिव बाबा आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। याद करना चाहिए, एक को याद करेंगे तो सबके एक जैसे संस्कार बन जाएंगे, एक जैसा वाइब्रेशन बन जाएगा, एक जैसी चाल हो जाएगी, एक जैसी चलन हो जाएगी, एक जैसी बातें करेंगे, विरोधाभास होगा ही नहीं। और एक भी पावर फुल ग्रुप पहले तैयार होने पर उसमें अष्टदेव 2015 तक प्रत्यक्ष होने के साथ ही चार अष्टदेव की प्रत्यक्ष होकर इनमें ऐड होंगे क्या? नहीं, अष्टदेवों का कनेक्शन सूर्यवंशियों से है या दूसरे दूसरे वंशजों से है, किससे है? वो नष्टदेव तो और वंशजों के हैं, जो वंश बाद में आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो पहले कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? और जो साधारण रूप देखते हैं आगे चल करके ये साधारण रूप मुक्त हो जाएगा, विराट रूप में प्रत्यक्षता होगी। विराट रूप माना कैसे बाबा? एक होता है छोटा रूप, बीज है वो छोटा रूप है, और बीज का बड़ा रूप है वृक्ष, तो बीज में ही सारा वृक्ष दिखाई देगा। जो मुरली में बोला हुआ है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, वही विराट रूप है। गीता में तो कृष्ण का विराट रूप दिखाई दिया है विष्णु रूप में, लेकिन वास्तव में तो बात शिव बाबा के विराट रूप की है ना। शिव बाबा ही सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। विराट माने बड़ा, बीज माने छोटा। और हाँ जी, मुरली में कहा है कि जो भी बाबा की ज्ञान रत्न मिलते हैं इनको विचार सागर मंथन कर खुद भी धारण करो और औरों को भी बताओ। फिर एक और ऐसी भी कहा है कि आपस में चर्चा करने से जड़ की शूटिंग होती है, तो करे तो क्या करें? चर्चा क्यों करोगे? चर्चा करोगे तो 20 बातें निकलेंगी। एक बात निकालनी है या 20 बातें निकालनी है? चर्चा करना, मीटिंग करना, कॉन्फ्रेंस करना, ये विदेशियों का काम है या स्वदेशियों का काम है? स्वदेशियों का काम है कि सागर से जो रत्न निकले हैं उन रत्नों को घिसना, उन रत्नों के बारे में अलग अलग लोगों से राय लेने की जरूरत नहीं है। बाबा ने तो जो कुछ भी बोला है ब्रह्मा के मुख से, उन बातों को मुरली में ही क्लैरिफाई किया हुआ है।
सिर्फ तालमेल बैठाने की जरूरत है। तो चर्चा करना अलग बात है और अपने मन के अंदर विचार सागर मंथन करना अलग बात है। और बारह बजे तो और जल्दी हो गया ना, एक घंटा जल्दी हो गया ना। एक बजे चालू हुआ था तो चार बजे भी क्लास छूटता है, चार बजे के बाद ये लंबी जाने वाली गाड़ियां है वो नहीं मिलती। 12 बजे क्लास शुरू होगा तो 3 बजे पूरा हो जाएगा ना। गाड़ियाँ पकड़ने के लिए मुझे एक डेढ़ घंटा जाने के लिए वो ना रिक्शा है, ऑटो है और फिर बस, क्योंकि वो क्या है कि उनकी गाड़ियाँ छूट जाएगी। तो मधुबन घर नहीं है क्या? अपने घर जाना जरूरी है, देह के घर में एक दिन रुक नहीं सकते? रुक जाओ, उन्हें मना तो नहीं किया? नहीं मना नहीं किया। और दो प्रकार के शेर होते हैं, कोल रिवर टाइगर जिसको हमारे भारत देश में सम्मान दिया जाता है, इसके बारे में नहीं किया टाइगर वो होता है जो मौका देख करके, समय देख करके, वातावरण देख करके, आत्माओं को परख करके कार्य व्यवहार करता है। और बबर शेर वो होता है जो सीधा हमला करता है, सोचना विचारना कुछ भी नहीं। जैसे ब्रह्मा के मुख से वाणी बोली गई तो जो भी वाणी बोली गई जैसे बच्चा फॉलो करता है, ऐसे फॉलो किया। बोली गई बात के ऊपर विचार सागर मंथन कुछ भी नहीं हुआ। और शंकर के द्वारा होता है विचार सागर मंथन। कोई बात बोली गई है तो उसका गहराई में अर्थ क्या है, गहराई को पकड़ करके फिर उस पर चलना और दूसरों को चलाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। ये भारत का जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर दिखाया जाता है। जो भी काम करें सोच विचार के करें, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हसाए, ऐसे हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा काम तो हुआ बहुत ऊंच, डायरेक्ट भगवान ने आकर के वाणी उच्चारण की, वेद वाणी ब्रह्मवाणी कही जाती है, ब्रह्म वाक्य कहा जाता है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? ब्रह्मा का नाम ही दुनिया से नदारद हो गया, चित्र भी नहीं मिलते, मूर्तियां भी नहीं मिलती, मंदिर भी नहीं है, पूजा भी नहीं होती, उलट काम हो गया, अपना काम ही बिगाड़ लिया।
शंकर का काम कब है? आदि में काम है, मध्य में काम है, अंत में काम है, है? कब काम है? है? कब है काम? अंत में है। अरे बाबा तो कहते सीधा सीधा नहीं समझाना चाहिए, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, तो आपने तो सीधे ही सीधे समझा दिया। जैसा जैसा काम करते हैं वैसा ही समझाना अच्छा है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सच्चाई की, तो झूठ खंड का विनाश किसके द्वारा? शंकर द्वारा। जब तक झूठ खंड की 500 करोड़ की दुनिया का विनाश नहीं होगा, तब तक नई दुनिया की प्रत्यक्षता संसार में नहीं हो सकती। तो मध्य में है शंकर का काम, अंत में है विष्णु की पालना। और हनुमान जयंती, हनुमान जयंती इसीलिए मनाते हैं कि हनुमान ने विजय पाने का कार्य कराया, जीत पाने का काम कराने में सहयोगी कौन बना? राम की जीत तो हुई रावण के साथ ही युद्ध में, परंतु उस युद्ध में विशेष सहयोगी कौन बना? है हनुमान बना। इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है, जो अच्छा काम करके जाते हैं उनकी जयंती मनाई जाती है, जन्मदिन मनाया जाता है। और उसी वार्तालाप के बोला है, पहले साधु था बाद में स्वार्थ लिया शादी का, ये बात जगदम्बा के ऊपर लागू होती है या? पहले साधु था, तो पहले साधु था बाद में स्वार्थ लिया शादी का, तो वहां तो बन गया। पहले साधु था बाद में स्वार्थ लिया शादी का, ऐसे बोला है साधु, स्वार्थ लिया साधु का, पहले साधु था बात लिया स्वाद लिया। तो ये बात जगदम्बा ने तो शादी की नहीं, कहाँ ढोल मजीरा बजाए हैं? ये तो साधु वासवानी के लिए बोला है। और आधी धारणाओं में कमी हो गई तो आधा विनाश हुआ, अब धारणाओं में पूरी की पूरी ही कमी हो गई, अणुअणु टूट गया, तोणबम बना लिए गए। अभी तोड़फोड़ कलयुग के अंत में ज्यादा होती है, संस्कारों का तोड़ना मरोड़ना, एक दूसरे को टक्कर खाना कलयुग अंत में ज्यादा होता है या द्वापर के आदि में होता है? हैं? कलयुग अंत में होता है। पहले हर कार्य सूक्ष्म में संपन्न होता है, संकल्पों में टकराव, 500-700 करोड़ आत्माओं की संख्या बढ़ती है कलयुग के अंत में कि द्वापर के आदि में, संख्या का विस्फोट कब होता है?
जब ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या हो जाती है तो संकल्पों का ज्यादा से ज्यादा टकराव होता है, अणु अणु टूट के रह जाता है, विस्फोट भी बड़ा भारी होता है। त्रेता के अंत में तो देव आत्मा ही तो थे, आत्मिक स्थिति गायब हो गई, ये भूल गए कि हम आत्मा हैं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, ये स्वाभिमान जाता रहा। और ऊपर से उतरने वाली आत्माओं का संकर रंग ऐसा लगा जो देहवान बढ़ गया। तो तोड़फोड़ तो होती है लेकिन पूरी रीते नहीं हो पाती, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान होती है। तो देह अभिमान की भी शुरुआत है या मध्य है या अंत है, द्वापर के आदि में है शुरुआत है। तो द्वे भांड भी सात्विक स्टेज में होगा या तामसी स्टेज में होगा, सात्विक स्टेज में होता है, इसलिए उतना बड़ा विस्फोट नहीं होता जितना कलयुग के अंत में आकर होता है। संकल्प बीज है, कर्म इंद्रियों से कर्म करना, वाचा में आना, ये तो बाद की बात है। और रामायण में दिखाते हैं कि सीता हनुमान को भोजन खिलाती है तो हनुमान का पेट ही नहीं भरता, वो खाना खाते ही जाते हैं और सीता खिलाती ही जाती है। जब उस भोजन में तुलसी पत्र डालते हैं तो उनका पेट भर जाता है। अब वेद में भोजन कौन सा है? याद का भोजन है, और याद भी प्रवृत्ति मार्ग की याद ज्यादा अच्छी है, श्रेष्ठ है, या निवृत्ति मार्ग की याद ज्यादा श्रेष्ठ है? प्रवृत्ति की याद ज्यादा श्रेष्ठ है, चाहे माता पिता के रूप में हो, चाहे साजन सजनी के रूप में हो, चाहे पिता पुत्र के रूप में हो, चाहे भाई भाई के रूप में हो, भगवान के साथ तो अनेक प्रकार के संबंध हो जाते हैं, लेकिन भगवान तो ज्योति बिंदु है, वो बिंदु रूप में ही संबंध जोड़ता है या साकार में भी जोड़ता है, है? बिंदी ही है सदैव या साकार भी बनता है? संबंध जोड़ने के लिए साकार चाहिए या निराकार से ही काम चल जाता है? साकार चाहिए। तो जगत पिता और जगत अम्बा के रूप में, मात पिता के रूप में सामने आता है। पिता प्यार का भोजन ज्यादा देता है या माता ज्यादा देती है? माता देती है, इसलिए हनुमान सीता को अपनी माता के रूप में मानता है। माता स्नेह का भोजन तो देती है, लेकिन उस भोजन में जब तक तुलसी पत्र न डाला जाए, तुलसी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? कि जब तक तुलसी का भोग न लगे तब तक भगवान का भोग पूरा नहीं होता। तो ये तुलसी कौन है? कौन ऐसी आत्मा है कि जब वो सरेंडर होती है भगवान के प्रति,
तो भगवान का भोग पूरा होता है। जब तक वो सरेंडर नहीं होती, चाहे कितनी भी कन्याएं सरेंडर हो गई हो, बेसिक में भगवान का भोग पूरा नहीं होता है। कौन सी आत्मा है? जगदम्बा। तो तुलसी पत्र का महत्व है, वो भी दो प्रकार का पत्र है, एक जगदम्बा है, एक यमुना है। एक काला पत्ता है, एक हरा पत्ता है। काला पत्ता जंगल में फलीभूत होता है और हरित पत्र घर गृहस्थ में फलीभूत होता है। कोई भी पत्ता क्यों न हो, इसलिए भगवान की दो विशेष पत्नियां और भी मानी जाती हैं। एक प्रकृति तो है ही, दूसरी है योग माया। तो दोनों प्रकार के पत्ते हैं। भोग की शुरुआत तब होती है जब वो तुलसी अपने को अर्पण करती है, जो शास्त्रों में बाद में वृंदा के रूप में भी दिखाई गई है। कोई यज्ञ में कुछ जिम्मेवारी संभालते हैं और उनसे कोई कुछ चीज मांगी जाती है तो चीज के रहते हुए भी मना कर देते हैं, तो बाबा उनको कंजूस कहेंगे या बाबा के यज्ञ में बचत करने वाला कहेंगे? क्या कहेंगे? मांगने वाले की मांगने की स्थिति के ऊपर भी है, वो अनुकूल मांगता है या प्रतिकूल मांगता है यज्ञ के नियमों के। जैसे कोई कोई मांग करते हैं जो यज्ञ के नियम के अनुकूल नहीं है, और देने वाला नहीं देता है तो कंजूसी कहें या आश्रम के नियमानुकूल कहें? उसको आश्रम के नियमानुकूल ही कही जाएगी। लेकिन कोई खाने पीने की चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, कोई मांगता है तो छोटा मोटा पूर्ति कर देने में कोई हर्जा नहीं है। बाबा के यज्ञ में कभी कोई कमी तो होती नहीं है, यज्ञ का भंडारा भरपूर रहता है। किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। कोई बीमार है, बीमार को कोई स्पेशल भोजन की जरूरत है या कुछ फल वगैरह की जरूरत है तो देने में कोई हर्जा नहीं। आदि में राम वाली आत्मा चली गई, ये की छोड़कर, तो गीता माता द्वारा थोड़े समय के लिए कराची में बाप लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठकर लिखते थे और वो ही वाणी बाद में चलाई जाती थी। तो गीता माता के द्वारा जो निकली हुई वाणी है उसको मुरली कह सकते हैं क्या? वो वाणी चलाने वाली आत्मा कौन थी? ब्रह्मा बाबा तो लिखने वाले थे और गीता माता लिखाने वाली थी प्रैक्टिकल में, लेकिन गीता माता में असली लिखाने वाली आत्मा कौन थी? शिव बाबा। शिव बाबा ने तो कहा है
कि मैं जिस तन में आऊंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। तो गीता माता भी ब्रह्मा हो गई, और ब्रह्मा के द्वारा ही मुरली चलाई जाती है। कई आत्माएं बहुत अच्छी उमंग उत्साह में सहयोग से मंजिल के समीप तक पहुंचती रहती है, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ चुकतु होते हैं तो अपने पिछले स्वभाव संस्कार के अनुसार वो हिसाब इमर्ज होने से भूय गति को न जानने के कारण घबरा जाते हैं। तो क्या ये घबराहट अंत तक चलती रहेगी? अंत तक चलती रहे, अंत कब होता है? हर एक आत्मा का अंत का टाइम अलग अलग नुदा हुआ है, यह एक ही टाइम है। 63 जन्मों के संस्कार कोई योग बल से जल्दी खत्म कर लेगा और कोई टाइम लगा देगा। तो जिसका जो जितना टाइम पूरा होने में, पुरुषार्थ पूरा होने में लगता है, वो ही उसका अंत समय है। वो अंत समय जब तक नहीं आएगा 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होने का, तब तक घबराहट भी आती रहेगी, ऊपर नीचे भी होते रहेंगे, गलतियां भी होती रहेंगी और सुधारते भी रहेंगे। बाकी ऐसे नहीं है कि हर आत्मा का अंत तक चलता रहेगा। कोई आत्माएं पुरुषार्थ करने में फास्ट जाने वाली होती हैं, कोई धीमी गति से चलती है। जो फास्ट जाने वाली हैं, उनकी घबराहट पहले ही बंद हो जाएगी। और ज्ञान की पहचान ना गंगा में है, ना लक्ष्मी में है, ना जगदम्बा में है। ज्ञान के आधार पर परिवर्तन शक्ति है बाघ की पहचान। बाघ की पहचान प्रति अधिक्रिया में है, तो साकार के शक्ति अनुक्रिया कौन है? परिवर्तन शक्ति पहचान के आधार पर नहीं है, परिवर्तन शक्ति प्योरिटी के आधार पर होती है। जो आत्मा जन्म जन्मांतर जितनी पवित्र रहने वाली है, वो उतना ही परिवर्तन करने में निमित्त बनती है। सबसे जास्ती निमित्त बनती है वैष्णवी देवी। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जन्मों का संग कौन सी आत्मा के साथ है? बीज रूप आत्मा का। शंकर और पार्वती हैं हीरो हीरोइन के रूप में, जिन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, वो जन्म जन्मांतर के साथ ही हैं। लक्ष्मी वाली आत्मा जन्म जन्मांतर तक नारायण के समीप रहने वाली है, इसलिए उसमें सबसे जास्ती संग परिवर्तन शक्ति है। गंगा वाली आत्मा तो सन्यासियों की बीज है, सन्यास धर्म तो बाद में आता है, और अनुसुईया या काशी नगरी ये तो रुद्रमाला का सेकंड मणका है, 8 मणकों में दूसरे नंबर का मणका। जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं, उन राजा बनने वाली आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा है,
राजाओं में प्योरिटी का ज्यादा पतन हुआ या रानियों में ज्यादा पतन हुआ? राजाओं में पतन हुआ। तो अनुसुईया नाम 84 जन्मों में से अनुसुईया नाम है, यह संगम युग के विशेष जन्म का नाम अनुसुईया है। तिरसठ जन्मों का हिसाब किताब प्योरिटी में परिवर्तन ला देता है। रुद्रमाला पुरुष प्रवृत्ति वालों की माला है। पुरुष प्रवृत्ति वाले चाहे जैसे ही चोला धारण करने वाले हों, चोला तो एक जन्म स्त्री का पुरुष का मिलता ही है, तो भी राजा बनने वाली आत्माओं में प्योरिटी विजय माला के मुकाबले कम ही होती है। इसलिए परिवर्तन शक्ति का मुकाबला वैष्णवी शक्ति के हिसाब से और किसी के द्वारा किसी के साथ नहीं हो सकता। पुरुषों को तो साहब को दुर्योधन दुशासन बताई दिया, फिर वो पुरुष स्वभाव संस्कार वाली आत्मा ही क्यों न हो, वो परिवर्तन शक्ति लाने के निमित्त नहीं बन सकती। चाहे वो अनुसुईया का पार्ट बजाने वाली ही आत्मा क्यों न हो, हाँ प्योरिटी की दुनिया का फाउंडेशन डाल सकती है, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके लिए निमित्त वही आत्मा बनती है जो जन्म जन्मांतर तक एक के साथ का विरुद्ध धारण करने वाली है। और दे दान तो छूटे ग्रहण का जो गायन है वो बंगी चमार और चांडाल लोग ही क्यों बोलते हैं? और बाबा ने मुरली में कहा है कि प्रकृति को याद का दान देना है। तो जो ब्राह्मणों की दुनिया में बंगी चमार और चांडाल का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो ही उनको याद का दान देने की क्या? वो दान कहां देती हैं? वो दान मांगती हैं या देती हैं? हैं? मांगने वाला भरपूर होगा या देने वाला भरपूर होगा? देने वाला भरपूर होता है, देने वाले को और हैं और लेने वाले कोई और हैं। और कोई कोई फूल होते हैं जिनको स्पेशल बगीचे में लगाना पड़ता है, और कोई कोई फूल ऐसे होते हैं जो कहीं भी उग जाते हैं। तो इनका बेहद में अर्थ क्या है? फूल को अच्छा कहेंगे या कांटों को अच्छा कहेंगे? है फूल को अच्छा कहेंगे। और अच्छे और बुरे सभी ग्रुप में होते हैं या किसी ग्रुप में अच्छे ही अच्छे या बुरे ही बुरे होते हैं? कोई भी ग्रुप क्यों न हो, कोई भी धर्म वाला क्यों न हो, अच्छे भी उसमें होंगे और बुरे भी होंगे। तो प्रजावर्ग की आत्माओं में भी अच्छी आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं? हैं? अच्छी होती हैं। प्रजावर्ग वाले ज्यादा होते हैं या राजवर्ग की आत्माएं ज्यादा होती हैं? राजवर्ग का बगीचा लगाना पड़ता है और प्रजावर्ग का बगीचा नहीं लगाया जाता, वो यहां तहां
स्वतः ही अच्छी अच्छी आत्माएं जन्म लेती रहती है। कोई पूछ रहा है जो चुल पर सो दिल पर और जो गैस पर वो किस पर? क्या गैस का चूल्हा नहीं होता है? हैं? गैस का भी तो चूल्हा होता है, जैसे लकड़ी का चूल्हा, कंडे का चूल्हा, बिजली का चूल्हा, ऐसे ही गैस का भी चूल्हा होता है। बाबर की तरह चंद्रगुप्त मौर्य का पार्ट भी बाबा का ही है क्या? बाबा पहले अपना पार्ट तो खोल दें, तब दूसरों का पार्ट खोलें। हर एक आत्मा पहले अपने पार्ट को जानेगी या दूसरों के पार्ट को जानेगी? हैं? अपने पार्ट को। तो बाबा अपना पार्ट बताते हैं कभी? अपना ही नहीं बताते तो दूसरों का कहां से बता देंगे? और अव्यक्त वाणी में तो बोला हुआ है बाप दादा का बोर्ड या कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे किसका क्या पार्ट है। अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपने कार्य व्यवहार से, अपनी दृष्टि वृत्ति से अपने पार्ट को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेंगे। बाकी मौर्य कहा जाता है, मोर से बना है मौर्य। मोर किस बात के लिए प्रसिद्ध है? प्योरिटी के लिए मोर प्रसिद्ध है। तो जो चंद्रगुप्त का बच्चा है मोर का पार्ट बजाने वाला है, उसका फॉलोअर है, उसके अर्थ में मौर्य शब्द आया है। और जोर से बोलो आवाज, ये पंखा बंद कर दो। तीन ब्रह्मा कौन कौन से मालूम है? एक प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा और एक गीता माता ब्रह्मा है। गीता माता ब्रह्मा तो जो ब्रह्मा में प्रवेश करके प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हो उसको आप ब्रह्मा नहीं मानेंगे, बोल बोल करने वाले को ही ब्रह्मा मानेंगे। बोल बोल करने वाला ज्यादा श्रेष्ठ होता है या जो प्रैक्टिकल करके दिखा देता है वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है? हैं? तो जो प्रैक्टिकल करने वाली वैष्णवी देवी है उसमें क्या वो आत्मा कार्य करने वाली है प्रैक्टिकल, या एवर प्योर बाप दादा की ही पावर कार्य करती है? हैं? कौन कार्य करता है? जैसे ब्रह्मा बाबा में शयन शक्ति का पार्ट दादा लेखराज वाली आत्मा ने बजाया या शिव बाबा ने बजाया? शिव बाबा ने बजाया। ऐसे ही कोई भी ब्रह्मा न क्यों न हो और उस ब्रह्मा का कोई भी प्रकार का पार्ट क्यों न हो, उसमें जो भी पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो शिव बाबा है। चाहे वो प्रैक्टिकल पार्ट बजाए, चाहे वाचा का पार्ट बजाए, चाहे दिव्य गुणों का पार्ट बजाए, कैसा भी पार्ट बजाए। एक वाणी में कहा है कि 2050 में कृष्ण बच्चे की पढ़ाई पूरी होगी। कौन सी वाणी में कहा है? 100 साल का तो पूरा संगम युग बता दिया, तो सन 37 से लेकर 2037 तक तो पूरा हो जाता है, 2050 कहां से आ जाएंगे? प्रश्न कहां से आया सुधार लें पूरा।
सारा उल्टम पलटम लिखा है। और किसी किसी की आत्मा में पावर तो बहुत आती है, भूत प्रेत की है, भूत प्रेत की आत्मा है तो उसके उपासी आती है ज्यादा, और वो आए उसके सोल आदि के बाद में हाव भाव अलग करती है, और वो कहती है कि मैं देवी हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ, ऐसी जो कहती है तो वो सोल पापात्मा है या पुण्यात्मा है? जो झूठ बोलता है, झूठ के ऊपर झूठ बोलता है, सबसे बड़ा झूठ बोलता है कि मैं देवता हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवती हूँ, तो शिवो अहम कहने वाला झूठा है या सच्चा है? जो हमारी बहू है उसने वो सोल आई है, वो नवरात्र में आती है उसके अंदर, और पिछले नवरात्र में आई थी तो वो मेरे को हरी चूड़ी होना, हरी साड़ी होना, नथ होना, ऐसे उसको पहना भी, वो दो तीन दिन शाम को सुबह में आती थी, पहले आने के बाद में वो हाव भाव बदल देती, उसको नहा ले जाती, नहा कर आती है, फिर भक्ति मार्ग में वो जैसे बैठती है तो वो हाव भाव अलग ही करती है। याद में बैठो, याद का दान दो, उसको भूत प्रेत की योनि से छुटकारा मिल जाए। हालत खराब हो रही है, अब उसका जितना हिसाब किताब होगा उतना हिसाब किताब पूरा करेगी। और नहीं ठीक होती है तो बाबा ने उपाय जो बताया उस उपाय को अपनाओ। बाबा ने बोला बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ, भूत प्रेत आता है तो औलिया के पास जाओ, मैं क्या करूंगा? और ओम शांति।